दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि गूगल मैप कैसे काम करता है और रियल टाइम में ट्रैफिक के अपडेट्स कैसे मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज, तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि जो मैप्स का कॉन्सेप्ट है वो डेनमार्क के दो भाई लार्स एंड जेन के दिमाग में आया, और वो मैप्स पे काम कर रहे थे और उनकी कंपनी वेयर टू टेक्नोलॉजीज को गूगल ने 2004 में ख़रीद लिया और तब से उसका नाम गूगल मैप्स रख दिया और उनके कॉन्सेप्ट पे ही काम किया जो आजकल आप जानते हैं गूगल मैप्स के नाम से। पहले गूगल मैप्स क्या होता था कि ट्रैफिक सेंसर जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी लगाती थी उन पे कम्प्लीटली रिलायबल था, और ये जो ट्रैफिक सेंसर्स होते हैं उसमें लेजर रडार एंड एक्टिव इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। और इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये जितनी भी व्हीकल्स होते हैं एक रास्ते पे उन सबका स्पीड चेक करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, एक फिक्स्ड एरिया में कितने नंबर्स ऑफ व्हीकल्स हैं उन सबको कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक है या नहीं है, और सारा डाटा कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ से फिर ट्रैफिक मैनेज होता है। दोस्तों बता दूँ कि जहाँ पे ट्रैफिक सेंसर लगे थे वहाँ पे तो गूगल को डेटा मिल पा रहा था, लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक सेंसर नहीं लगे थे वहाँ पे गूगल के लिए प्रॉब्लम हो रहा था डेटा इकट्ठा करने में। लेकिन जब से गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस हुआ उसके बाद से गूगल ने क्या किया कि जितने भी लोग्स हैं सबके लोकेशन सर्विसेज के डेटा को यूज करके और फिर कंबाइन करके और सारा का सारा डेटा जो है कि गूगल मैप्स में यूज किया, उसके बाद जब भी हम सर्च करते हैं कि हमारे को कहाँ पे जाना है तो उन सारे डेटा को एक्चुअल में क्या करता है कि गूगल डेटा क्या करता है, जैसे मेरे फ़ोन का डेटा गूगल के सर्वर पर तक जाता है, हो सकता है आपके फ़ोन का भी जो डेटा है वो गूगल के सर्वर तक आप भेजते होंगे, तो सबके डेटा का यूज करता है और जो लोग जिसको ज़रूरत पड़ता है उनके डेटा को वो गूगल वहाँ तक भेजता है। तो गूगल का जो मैप सर्विसेज है वो नॉर्मली हमारे आपके लिए फ्री है, लेकिन अगर आप कमर्शियल यूज करना चाहते हो तो ये फ्री नहीं है, आपको उसके लिए परचेज करना पड़ेगा, उसकी सर्विस फ़ी देनी पड़ती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज करो कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपके मैप में दिखा रहा है कि 5 किलोमीटर अहेड जैम है, क्योंकि वो कलर कोडिंग से पता चल जाता है। तो कैसे गूगल को पता चलता है कि वहाँ पे जाम है? तो एक्चुअल में क्या है कि जब आप कहीं पे डेस्टिनेशन के लिए ट्यून करते हो तो आप अपने फ़ोन से लोकेशन सर्विसेज ऑन करते हो, और लोकेशन सर्विसेज ऑन किया है तो वैसे ही जहाँ पे जाम है वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने लोकेशन सर्विसेज ऑन कर रखा है, और क्या होता है गूगल उनके उनके मूवमेंट को ट्रैक करता है और उस ट्रैकिंग से पता चलता है कि जाम है। तो उनके फ़ोन से जो डेटा गूगल सर्वर को पहुँचा तो वहाँ पे जाम पता चला, फिर मैं भी गूगल गूगल जो मैप्स है उसको उसके सर्वर को ट्यून करता हूँ और मैं इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा हूँ, तो उनके फ़ोन का डेटा सर्वर पे जो गया हुआ है वो हमारे फ़ोन को फ़ायदा होता है, वैसे ही हमारे फ़ोन से जो डेटा गूगल सर्वर को जाता है किसी और को उससे फ़ायदा होता है। तो ऐसे ही एक दूसरे का डेटा गूगल के पास जाता है सब किसी का, और जिसको ज़रूरत पड़ता है गूगल उसको डेटा भेजता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि एक कलर कोडिंग में ग्रे दिखाता है, ग्रे कलर दिखाता है, तो ग्रे कलर कब दिखाता है? जब गूगल के पास उस रास्ते से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तभी ग्रे कलर दिखाता है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि गूगल जितने भी रोड्स हैं वर्ल्ड में जितने भी रोड्स हैं सबका इन्फॉर्मेशन रखता है रियल टाइम, और प्लस हिस्टोरिक। हिस्टोरिक में क्या होता है कि एक रोड को पर्टिकुलर हमेशा ट्रैक करते रहता है कि कौन से टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कौन से टाइम में कम ट्रैफिक रहता है, वीकडेज में क्या उस कैसा बिहेव करता है, वीकेंड में कैसा बिहेव करता है, अगर कोई फेस्टिव सीजन है तो उस समय कैसा बिहेव करता है। तो दोस्तों हिस्टोरिक डेटा और प्लस रियल टाइम का डेटा दोनों को कंबाइन करके हमारे सामने रखता है। और दोस्तों इसके साथ ही बताना चाहता हूँ कि गूगल का जो गूगल मैप्स लोकेशन सर्विसेज है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सर्विस है, ये नियर अबाउट जितने भी सर्विसेज हैं गूगल के उससे उसमें 30% यूज किया जाता है। दोस्तों बता दूं कि डेली बेसिस पे सैकड़ों किलोमीटर नए रोड्स ऐड किए जाते हैं या बनते हैं, तो उन सबको गूगल कैसे गूगल मैप्स में इंक्लूड करता है? तो गूगल का एक प्रोग्राम है गूगल एटलस प्रोग्राम, तो इसके तहत जितने भी नए रोड्स होते हैं उसको गूगल अपने मैप्स में इंक्लूड करता है, और इसके पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं एक साथ। जब भी कोई आप कोई मैप से रिलेटेड रिपोर्ट करते हो कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो ये रिपोर्ट को ठीक करते हैं, नए मैप्स को मैनुअली वो मैप्स में ड्रॉ करते हैं, और क्या होता है कि दोस्तों बता दूं कि गूगल को जब भी आप इन्फॉर्मेशन भेजते हो, जैसे कोई आप करेक्शन कराया, आप किसी ने रिपोर्ट कराया किसी किसी एड्रेस से रिलेटेड,
तो और गूगल को आप जो इन्फॉर्मेशन भेजते हो तो गूगल क्या करता है, आपको रिवॉर्ड्स भी देता है। तो रिवॉर्ड्स में हो सकता है कि आपको गूगल, आपके गूगल ड्राइव्स होते हैं उसके स्टोरेज लिमिट को बढ़ा दे, या हो सकता है कि कुछ पेड एप्लीकेशन उसको फ्री में दे दे। अब बात करता हूँ गूगल स्ट्रीट व्यू। हालांकि गूगल स्ट्रीट व्यू इंडिया में अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा है, वजह जो भी हो, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे आपको लगता है कि आप वर्चुअली वहाँ पे अवेलेबल हो। जो स्ट्रीट व्यू है वो कैसे बनाया गया है, तो एक्चुअल में क्या है कि क्राउड सोर्सिंग के थ्रू लोगों ने इन्फॉर्मेशन भेजा है, और जहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाते हैं वहाँ पे गूगल की जो कार्स होती हैं उसमें हाई लेवल के कैमरे लगे होते हैं, और वो हाई लेवल के कैमरे में क्या होता है 360 व्यू लगाता है, वो सारे 360 डिग्री का वो कैप्चर करता है इमेज और सबको प्रोसेस करता है। उसके साथ ही साथ उसमें OCR टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में क्या होता है कि जो भी आपका जो साइंस होते हैं फिजिकली अवेलेबल हैं उन सबको ऑप्टिकली रजिस्टर करता जाता है। जैसे आपका हो गया ट्रैफिक साइंस हो गया, स्पीड लिमिट हो गया, या कंपनीज हो गए, या रोड के आसपास जो भी बोर्ड्स लगे हो बिजनेसेस के, उन सबको रीड करता जाता है, और साथ ही साथ वो बैकएंड में प्रोसेसिंग करता है, और साथ ही साथ उसका कोऑर्डिनेट्स भी रीड कर रहा होता है। अब दोस्तों बात करूँ कि लोगों ने टाइम टू टाइम गूगल मैप्स को चकमा देने की भी कोशिश करी है, और बहुत सारे लोग इसमें सफल भी हुए हैं, लेकिन जब भी गूगल को पता चलता है कि इसके साथ ट्रिक हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो गूगल अपने एल्गोरिथम्स में चेंजिंग करता है, और चेंजिंग करने के बाद फिर आप नेक्स्ट टाइम से उसको उसी टाइप से ट्रिक करने की कोशिश करोगे तो गूगल गूगल के जो गूगल मैप्स है वो ट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने एल्गोरिथम्स में चेंजिंग कर चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।